अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा सफ़र है ग्लोरेंजा से ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर के साथ पहला गांव है वहाँ पे हमने जाना है। नाउदर्स जगह का नाम है और साथ ही उसके स्विट्ज़रलैंड के भी बॉर्डर है। तो अभी हम जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो देखते हैं नज़ारे और आप लोगों को भी दिखाते हैं। प्यारी जगह हैं और रास्ते में जगह जगह ये आप देख सकते हैं टूरिस्ट पॉइंट्स भी बने हैं, यहाँ के बार्स वगैरह रेस्टोरेंट्स चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा नेचर वाइज। समर पहाड़ों में बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो गया है, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जगह बहुत ही अभी हम पहुँचे हैं अर्लुंद लेक में। ये बॉर्डर से थोड़ी सी पहले ही आती है और ये टनल्स भी बनी हुई हैं छोटी छोटी। ये भी बहुत ही प्यारा व्यू है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। लेक थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, शानदार व्यू है इसका भी। बहुत सारे टूरिस्ट लोग आगे, ये सर्दियों में बिल्कुल पूरी फ्रीज़ हो जाएगी, फिर इसके ऊपर लोग स्केटिंग करते हैं सर्दियों में। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the ये अर्लुंद लेक का गांव है छोटा सा, वो उसको देखने के लिए यहाँ पे इधर उतरना था आपने। स्टॉप है, ये गांव है जहाँ पे ये बस स्टॉप भी बना हुआ है। यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, ऊपर होटल्स वगैरह बने हैं आगे पीछे, और यहाँ से व्यू ऊपर लेक पे जाने का रास्ता बहुत ही प्यारा बना हुआ है। हर चीज़ आप देख सकते हैं, रेस्टोरेंट्स। Along the way, melody.
अभी हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा सफ़र रह गया है ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर को, वो सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। ओपन बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, चेकिंग वगैरह या सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको कोई बोर्ड भी नज़र नहीं आएगा उस तरह का। बस वापसी पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इटालिया जाते हुए, उस साइड पे तो ऑस्ट्रिया भी नहीं लिखा हुआ। तो ये जो जगह है ना, यहाँ से आगे आपको नज़र आएगा थोड़ा सा, उस साइड पे एक जगह भी बनी हुई है, वहाँ से फील हो जाता है कि ये ऑस्ट्रिया और इटली का बॉर्डर है। ये आ गया ऑस्ट्रिया, आ गया यहाँ से 100 मीटर पे है बिल्कुल, ये सिटी क्रॉस करेंगे। ये बोर्ड लगा है ऑस्ट्रिया का, मैंने मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से 100 मीटर्स पे ये ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो जाता है आगे, ये मैंने आपको बताया था ना, वो आगे एक बना हुआ है ये वाइट कलर का, ये साइड पे यहाँ पे अगर हो गाड़ी, बड़ी गाड़ियों की चेकिंग वगैरह हो तो यहाँ से वो गुज़र के जाती हैं अंदर से, वैसे ये बॉर्डर है बस, यहाँ से आगे ऑस्ट्रिया शुरू हो गया। अब तो इसका आगे पहला जो गांव है नाउदर्स, वहाँ तक हम जाएंगे। वैसे आगे ये बस घूम के ऑस्ट्रिया से ही हो के आगे स्विट्ज़रलैंड इंटर कर जाती है, तो फिर वहाँ से वापस, लेकिन हम यहीं तक आएंगे, इसको एक्सप्लोर करना आहिस्ता आहिस्ता, बाकी भी जगह देखेंगे। आगे इसका गांव है एक बहुत प्यारा, वहाँ पे चल के रुकेंगे नाउदर्स, वहाँ पे आपको व्यू वगैरह दिखाते हैं उसका। इन जगहों पे घूमने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं ना कुछ, लेकिन पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, अदरवाइज़ चेक नहीं होता। यहाँ पे कोई है ही नहीं है, चेकिंग वाला सिस्टम ही नहीं है, कोई पुलिस कोई कुछ भी नहीं है, ओपन बॉर्डर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, चोरियाँ डकैतियाँ ये वो चीज़ें, पुरसकून माहौल हर चीज़, और ईमानदार और अच्छे लोग हैं। वो सामने आपको गांव नज़र आ रहा होगा नाउदर्स, ये है ये, वहाँ पे जाना है हमने, वहाँ पे जाके उतरेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या है उसमें, कितना बड़ा है, ब्यूटी है क्या, ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे भी। अभी हम उतर गए बस से और ये हम पहुंच गए नाउदर्स, ये ऑस्ट्रिया। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ से 25 से 30 मिनट लगे हैं बस के, हालांकि बस रुकती भी आई है, वैसे अपनी गाड़ी हो तो 20 मिनट का भी रास्ता नहीं है, तो आराम से आ जाता है बंदा। जगह तो काफ़ी प्यारी है, व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और टूरिस्ट वगैरह भी हैं साथ में, खेल रहे थे बच्चे वगैरह। अभी रश थोड़ा सा कम है, आगे सर्दियों में होगा या गर्मियों में बहुत ज़्यादा इधर रश वगैरह होता है। अभी हम इसके टॉप पे आए हैं ऊपर, वहाँ से ये सारा व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा और शानदार व्यू है, सुकून वाली एक जगह है, बंदा रिलैक्स हो जाता है यहाँ पे आके। व्यू आप देख सकते हैं वो सामने, स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया इटली के झंडे, क्योंकि उस साइड पे स्विट्ज़रलैंड है और ये अभी हम ऑस्ट्रिया में। विज़िट कर रहे थे हम, लेकिन आज संडे है जिसकी वजह से बंद हो, ये सारे होटल्स हैं तकरीबन, आप गलियाँ छोटी छोटी और गांव है एक छोटा सा, उस हिसाब से हम इसको देखते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ कर रहे हैं। प्यारे होटल्स बने हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है ये, चीज़ आपको नॉर्मल 1-2 यूरो की मिलती है, यहाँ पे आपको 4-5 यूरो की मिलती है। बस हमने आप फ्लैग्स देख सकते हैं, उस टाइम दूर था काफ़ी, सही नज़र नहीं आ रहा था।
आप लोगों को ये जगह अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट और भी कोशिश करेंगे आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाने की। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और ताकि आपके साथ हम अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करें। ये है वो लेक, जाते हुए मैं सही करके नहीं दिखा सका था, अर्लुंद लेक। ये इटली में आती है, ऑस्ट्रिया में नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।